हेलो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो का थंबनेल को देख के इधर पे आए हैं। आप सभी को रियलमी C35 के बारे में जानना है, उसका स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है, आखिर क्यों ये फ़ोन इतना जल्दी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इस वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल्स के साथ ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर कम्प्लीट देखना, मैं इस वीडियो में आपको बोरिंग होने के लिए नहीं दूंगा। अगर आपको और भी कम टाइम में देखना है तो इस वीडियो को आप लोग 1.25x में भी देख सकते हो। तो दोस्तों, ये फ़ोन सबसे ज़्यादा पसंद क्यों आ रहा है उसके बारे में सबसे पहले आइए जान लेते हैं। दोस्तों, ये फ़ोन तो बहुत ही पतला और लाइट वेट में आता है और इसमें देखने के लिए इन हैंड लुकिंग बहुत ही गजब का लगता है और इसका तो दो कलर दिया गया है। दोस्तों, ये फ़ोन बहुत ही लाइट वेट जैसे कि 8.1 mm थिकनेस के साथ इसका वेट जो आता है सिर्फ 187 ग्राम का देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, ये इन हैंड में बहुत ही कमाल का और कम्फर्टेबल लगता है जो कि बायर्स को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों, इसमें आपको साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है और साथ में एंड्रॉयड 11 का MIUI 13 का सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, इसका रैम टाइप और रोम टाइप का बात करें तो इधर पे आपको LPDDR4X का रैम और UFS 2.2 का रोम सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। उसका दोस्तों, आइए देख लेते हैं इस फोन का कुछ मेन फीचर्स के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 6.6 इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि 60Hz का रिफ्रेश रेट का साथ 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, ब्राइटनेस आपका कमाल का 600 nits का पीक ब्राइटनेस आपको देखने के लिए इस फोन में मिल जाता है, जो कि मुझे इसमें डिस्प्ले में कोई कंप्लेंट नहीं है। इधर पे सिर्फ 90Hz का रिफ्रेश रेट होता तो अच्छा होता, पर दोस्तों 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, उसको भी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों, इसका कैमरा का बात करें तो इधर पे आपको 50MP का ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि 50MP का मेन सेंसर के साथ 2MP का मैक्रो लेंस और 2MP का पोर्ट्रेट लेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, उसके साथ आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, इसमें आप बैक साइड का कैमरा में 180p में 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट में आपको 720p में 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल दोस्तों, इस फोन का कैमरा के बारे में आपको कोई कंप्लेन नहीं होगा, इस प्राइस का हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कैमरा इसमें दिया गया है। उसका दोस्तों, आइए इसका प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको यूनिसॉक का T616 का 12mm वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, ये यूनिसॉक का वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है जो इधर पे इस फोन पे आपको देखने के लिए मिलता है। मेनली दोस्तों, इस प्रोसेसर का यूज किया गया है एक डे टू डे लाइफ फोन में यूज करने के लिए, एक मल्टीटास्किंग वाला फोन में यूज करने के लिए। अगर आप इस प्रोसेसर से गेमिंग करोगे, हैवी गेमिंग तो नहीं होगा, पर दोस्तों, ये डे टू डे लाइफ के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। और दोस्तों, ये फोन आता है 5000mAh के बैटरी के साथ, 18W का फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इसका बॉक्स में इसका अडेप्टर रहता है। और दोस्तों, इसके साथ इसका कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2 नैनो SIM कार्ड के साथ 1 माइक्रो USB कार्ड देखने के लिए मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, इसमें आपको लाइट सेंसर, जायरो सेंसर एक्सेट्रा और भी बहुत सारा सेंसर इधर पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ दोस्तों, 3.5mm का जैक देखने के लिए मिलता है, USB Type-C भी देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, ये फोन आता है 4G 64GB वाला वेरियंट 12,590 रुपया में, और दोस्तों 4G 128GB वाला वेरियंट आता है आपको 14,700 रुपया में। दोस्तों, ये सारा मोबाइल फोन का डिस्काउंट लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। ये सारे फोन अमेजन में अवेलेबल है। उसका दोस्तों, अगर आपको मेरा ओपिनियन सुनना है तो दोस्तों, मैं यही बोलूंगा कि आपको अगर डे टू डे लाइफ के लिए फोन चाहिए, अच्छा एक हैंडल में अच्छा लगे फोन को पकड़ने के लिए, एक अच्छा गुड लुकिंग वाला फोन अगर आपको चाहिए तो दोस्तों, आपको मैं ये फोन जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दोस्तों, इस बजट में आपको एक अच्छा फोन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको अगर आप गेमिंग करना है तो आप दूसरा फोन की तरफ जा सकते हो, आपको दूसरा कुछ चाहिए तो आप दूसरा फोन की तरफ जा सकते हो, पर दोस्तों, एक अच्छा डिजाइन वाला, अच्छा देखने वाला आपको अगर डे टू डे लाइफ के लिए आपको सिर्फ यूज करना है दोस्तों, ये फोन सबसे बेस्ट रहेगा। खास करके तो इसी प्राइस में ये सबसे बेस्ट रहेगा, मेरा ओपिनियन यही। और दोस्तों, अगर आपको 12,000 का बजट में एक बेस्ट फोन चूज करना है जिसमें कि ओवरऑल सारा कुछ अच्छा हो, दोस्तों, मैं रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाया हूं, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों, आपको अगर मोबाइल फोन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कमाल का मोबाइल फोन के वीडियो के साथ।